But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 के बारे में या फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में। इस मूवी में अपकमिंग मार्वल फेज 4 की फर्स्ट मूवी के साथ साथ ये मूवी काफी चर्चा में आ रही है अपकमिंग कास्ट के लिए। इस मूवी में 6 विलेन है। वो विलेन है वल्चर, मिस्टीरियो, स्कॉर्पियन, हाइड्रोमैन, कमेलियन, इलेक्ट्रो। ये 6 विलेन एक साथ हमें देखने को मिलेंगे, जो की काफी बड़ी बात है कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में इतना कुछ रोमांस होने वाला है। देन उसके बाद इस मूवी में उसके फ्रेंड्स और उसके बाद शील्ड के नए दो कैरेक्टर। सबसे पहले तो निक फ्यूरी ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। देन उसके बाद अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक साथ करे गए 4 कैरेक्टर को टैग, उसमें से मारियल का नाम भी था। इसका मतलब मारियल ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, बट अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि मारियल मूवी में होंगी या नहीं, बट ऑफिशियली मारियल इस मूवी में कंफर्म है। ये करा है कंफर्म हमारे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम एक्टर नुमान ने, जो कि उन्होंने टैग करते हुए मारियल को भी टैग करा है। तो उसका मतलब ये है कि मारियल इस मूवी में होंगी, जो कि निक फ्यूरी का साथ देंगी नए मिशन पर नए कैरेक्टर को ढूंढने में और देन नई एवेंजर्स टीम बनाने में। तो मारियल का बहुत बड़ा रोल होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। देन देखते हैं कि क्या होगा। देन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो रहा है कि स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी में क्या हमें अंकल बेन दिखाई देंगे। अभी हाल ही की न्यूज से ये पता चला था, जो कि करीब 8 या 9 महीने पुरानी है, कि वे अंकल बेन का रोल करेंगे टॉबी मैकफाई, जो कि पहले वाली स्पाइडरमैन के रह चुके हैं। देन स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 से रिलेटेड मैं आपको एक बोनस न्यूज देना ये चाहूंगा कि अभी हाल ही में सैन डिएगो में लॉन्च हुई है स्पाइडरमैन के आर्मर की एक झलक, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर पीछे खड़े हुए हैं और देन वो आर्मर भी खड़ा हुआ है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर वल्चर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।